दरियावध क्षत्रिय महासभा संस्थान के द्वारा दरियावध राजमहल प्रांगण में विजयदशमी दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत अस्त्र शस्त्र शक्ति की पूजा करते हुए भगवान राम की महाआरती की गई। कार्यक्रम में भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार हर वर्ष की भांति जुलूस का आयोजन नहीं कर छोटे तौर पर राजमहल प्रांगण में सभा आयोजित कर विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय समाज के बाघ सिंह, भारत सिंह राणावत, मदन सिंह राणावत, भूपेंद्र सिंह, शानू बत्रा, प्रेम सिंह झाला इत्यादि क्षत्रिगण उपस्थित थे। के साथ कोई गाली दे रहा है तो हकीकत में ये गाली दे रहा है, गाली उसके मुंह से निकल, तेरे मुंह में है तू ही रख। और किसी के पास फूल होगा फूल फेंकेगा, किसी के पास पत्थर होगा पत्थर फेंकेगा, किसी के पास अगर क्षत्रिय की बेइज्जती की है, किसी क्षत्रिय का अहित किया है, तो हमारे को सीधा एक तरफा क्षत्रिय समाज का बैलेट पेपर से वोटिंग जो है एक तरफा का। मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय वो पार्टी भी क्या काम की जिस पार्टी के लिए रात दिन क्षत्रिय खपता है वो करता है, आज उसको कहीं पद नहीं मिलता, अपना घर खपा करके वो जो है आज समाज की नहीं, समाज एक काम का है और समाज ही सम्मान देगा, और वो समाज का सम्मान ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि आप एक तरफा वोटिंग करने की कोशिश कीजिए, चाहे मैं बीजेपी का हूँ और अगर बीजेपी का कोई नेता संकल्प होगा अगर आप ये इसमें लेंगे आपने, और आप अपनी ताकत ही नहीं बताएंगे कि आप में कोई ताकत है, आप में परीक्षा देने बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की व्हाट्सएप पे पूछते हैं। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ कि आप पूछने का अधिकार रख रहे हो, व्हाट्सएप क्या क्या व्यवस्था है, 8 दिन पहले इकट्ठे हो जाओ, मिल जाओ, बैठ जाओ। पर क्षत्रिय समाज को और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और इसी पे दशहरा पर्व मनाया जाता है। आज की इस दशहरा के अंदर हम लोग सब मिलके शस्त्र पूजन और अश्व पूजन करते हैं और सभी क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करके एक कार्यक्रम करते हैं, इसीलिए मैं मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुक्रिया।